सर आई हैव इन्वेस्टेड इन दीज स्टॉक्स आई नो अभी ऐसे न्यूज आ गए अभिषेक सर मेरा पोर्टफोलियो खत्म डेड डूड आई हैव गिवन यू सम वर्क अभी तक कंप्लीट ही नहीं तो क्या न्यूज देख रहे हैं यहाँ पे इतना स्ट्रेस है मेरी जिंदगी में पैसे डूब रहे हैं वो काम करूं मैं पहले आई थिंक द प्रॉब्लम इज यू आर लुकिंग एट द न्यूज एंड देन लुकिंग एट योर स्टॉक Either you're trading or investing, and you need to figure out कि मुझे करना क्या है. Anxiety हो रही है, डर लगता है, worried हो जाते हो. इसका solution इस episode में करते हैं. Let's talk about what do you do when you see the news, how do you react to it, different kinds of news, if you're a trader or an investor. फिर काम करेगा? देखते हैं. पहले बताओ आप. Get a pen and paper. Let's begin. तो अभिषेक बता तेरी प्रॉब्लम क्या है जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसका सीईओ निकाल दिया और अभी सुनने में आया कुछ बैन मैन हो रहा है कुछ ऐसा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट रुक रहा है सर जिंदगी खराब ठीक है तो आई थिंक ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हारी तरफ आता है तुम पहले तो देखते नहीं थे बट वंस यू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स उसकी हर न्यूज बिकम्स ब्रेकिंग न्यूज तो बेसिकली क्या करते हैं वी लेट्स डिवाइड न्यूज इनटू फोर पार्ट्स देयर इज मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज लाइक कोविड जैसा कोई इवेंट फिर सेक्टोरल है कि उस सेक्टर में कुछ हुआ जैसे एडटेक गिर गया एडटेक चढ़ गया देन देयर इज द कंपनी इटसेल्फ And then there could be chatter, जैसे कि भाई ने कुछ बोल दिया बातें rumors, chat में आपने कुछ मिला forum ने किसी ने कुछ बोल दिया etc. etc. तो we will define each of these and hopefully solve your problem. Portfolio बन जाएगा But पहले pen और paper चाहिए pen paper. भगवान pen paper. या हाँ भगवान Okay. ना बोलिए तो first let's start with macro. मैक्रो में ऐसा क्या चीज आपको लगता है कि आपको देख के डर लगेगा वॉर सो कोविड 2008 एनीथिंग हैपनिंग एट अ ग्लोबल लेवल इफेक्टिंग मल्टीपल कंट्रीज इज समथिंग लाइक मैक्रो तो जब कोविड हुआ हाउ डिड यू फील अबाउट इट व्हाट डिड यू थिंक एट दैट टाइम सर कोई चार्ट खोला था मैंने थॉट ऑफ शॉर्ट सेलिंग यहाँ पर आया और सर्किट लग गया अब फिर थोड़े टाइम बाद ही शायद न्यूज आया कि वैक्सीन आ रहा है अभी वैक्सीन आ गया तो मैं कहा ले लेता हूँ क्या पता प्राइस ऊपर जाएगा फिर वहां पे क्या हुआ कि वो बोले वैक्सीन 3 साल बाद आएगा फिर गिर गया प्राइस Got it. So basically, there's all this information happening, and तुमने दो दिन में कुछ समझ ही नहीं आया ना 20 बार ही पलटी मार लिया न्यूज तो वैलिड था Fair enough. तो how do you deal with this? लिखो there is this company called McKinsey. It has survived 90 years. To think about it, if someone had invested in McKinsey, hypothetically as a company, what all has happened in these last 100 years? There was the Great Depression, there was the Cold War, there was the World War II, there was the oil shock, multiple recessions in the United States, population explosion, and exponential increase in computing power. We can see we have AI now. काफी कुछ हो गया. Internet also exploded, the global financial crisis happened, and so did the COVID pandemic. Now imagine if McKinsey was a listed company and you had invested. तू सोचता यार बेच देते Great Depression हो गया, Cold War हो गया, Oil Shock हो गया, मैं बेच देता हूँ. My point is very simple. सांस. COVID 2008 इन सबको अगर आप जोड़ोगे, you cannot actually predict what will happen in the future. Humans तो cannot, you तो definitely cannot. Neither can you or me, nor a real supercomputer. आप सोचो अगर ChatGPT का बाप भी आ जाए, वो ये सारे inputs लेके predict नहीं कर सकता future में होगा क्या? तो आपके कंट्रोल में तो ये है नहीं तो न्यूज शॉर्ट हो या मीडियम टर्म आपके कंट्रोल में है नहीं आपके कंट्रोल में 3 चीजें पहली चीज लेट्स अज्यूम यू नो एज एन इन्वेस्टर अच्छी कंपनी क्या है लेट्स सपोज आप 3 मैट्रिक्स सोचते हो ओके आरओसी बढ़िया होना चाहिए ग्रोथ होनी चाहिए सेल्स भी अच्छा होना चाहिए एंड डेट मान लो 0 होना चाहिए एग्जाम्पल सेकेंड चीज आपके कंट्रोल में है कि आप 10 साल सोचो कि मैं 10 साल इन्वेस्टेड रहूंगा तीसरी चीज आप में कंट्रोल है कि आप डाइवर्सिफाइड रखो 15 या 30 कंपनी के बीच में इसके अलावा यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन एनीथिंग तो अब ये इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है तुम शायद ट्रेड भी कोशिश कर रहे हो हाँ एज अ ट्रेडर व्हेन मैक्रोस चेंज अ सेक्टर क्रिएट्स एन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड तो जैसे कोविड में FMCG वाज नॉट डूइंग दैट वेल शॉर्ट टर्म में वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था तो यू कैन सी अ न्यू ट्रेंड इमर्ज व्हेन अ मैक्रो हैपेंस बट जो इवेंट होता है ना उस दिन अगर बहुत वॉलेटिलिटी है मतलब जिस दिन 2008 का क्रैश हुआ या जिस दिन कोविड रियल हुआ कुछ लोग के पास ना वॉलेटिलिटी एज अ स्ट्रैटेजी होती है जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं वो सिर्फ इवेंट्स पे ट्रेड करते हैं अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो यू शुड नॉट ट्रेड ऑन सच इवेंट डेज बिकॉज यू डोंट नो व्हाट विल हैपन आप बता दे ठीक है सर मतलब ये तो मेजर इवेंट्स तो हो गए बट मतलब सेक्टर पे भी तो अफेक्ट पड़ेगा कुछ सेक्टर रिलेटेड न्यूज आए तब आई मीन इसको समझने के लिए लेट्स टेक वॉरेन बफेट एग्जांपल तो वॉरेन बफेट हैज बीन अ ह्यूज स्केप्टिक ऑफ एयरलाइन स्टॉक्स
उसने बोला यार एयरलाइन सेक्टर अच्छा नहीं है, मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। फिर पता नहीं क्या हुआ, आई थिंक 2016 या समवेयर देयर ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन एयरलाइन स्टॉक्स एंड ही पुट इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड ही इन्वेस्टेड इन इट। उसके बाद शॉर्टली आफ्टर ही एग्जिटेड देम बिकॉज ही थॉट इट वोंट डू वेल एंड आई थिंक ही मेड अ लॉस ऑन इट एज वेल। तो इससे उनको भी लॉस होता है। सीखने को क्या मिलता है इससे? नो वन कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, वन नॉट इवन वॉरेन बफेट। सेकेंड, यू कांट पुट ऑल योर मनी इन वन बास्केट, सेक्टर, मल्टीपल सेक्टर्स कर सकते हो। डीमोनेटाइजेशन एक एग्जांपल ले लो, पैसे रुक गए थे, कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता था, ठीक है? तो रियल एस्टेट इफेक्ट हुआ, करेक्ट, एफएमसीजी इफेक्ट हुआ बिकॉज रूरल इंडिया तो बिस्किट वगैरह कैश से खरीदते हैं। बट डज दैट मीन कि कोई बिस्किट ही नहीं खरीदेगा इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स? लोग नहीं खरीदेंगे, नेक्स्ट 1 ईयर लोग नहीं खरीदेंगे। एट दैट टाइम प्रॉब्लम था, तो उस टाइम आप देखोगे ऑल द एफएमसीजी कंपनीज गिर गए थे। अगर आप पैनिक करते, तू तो पक्का पैनिक करता, I'll be. So you would have missed this run over here. ये देखो how much the markets have gone up. This means कि अगर business ठीक है और कुछ short term sector में कुछ होता है तो वो short term bump ही मान के चलना पड़ेगा, assuming the business is good. तो आपने macro बता दिया, मतलब major event बता दिया, आपने sector बता दिया। अभी मेरे एक स्टॉक में, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में कंपनी, उसका सीईओ निकाल दिया। अभी कंपनी स्पेसिफिक रिलेटेड, ऐसा कंपनी स्पेसिफिक रूमर है तब? तो नेस्ले बहुत इंटरेस्टिंग था। जब दिस न्यूज केम आउट, आई वाज शॉक्ड मायसेल्फ। मैगी बैन कर दिया था। मैंने बोला अब क्या होगा यार, एंड एनी शेयर होल्डर विल से अब तो मार्केट गिर जाएगी। तो एक काम करेगा, कैन यू स्क्रीन कास्ट द एक्चुअल डेट एंड शो द चार्ट? मैसिव फॉल, राइट, वॉल्यूम्स के साथ। ओ यार, शॉर्ट सेल। तो सारे टेक्निकल एनालिस्ट भी बोलेंगे कि भाई ये तो गया। बट आई वॉन्टेड टू जूम इन, जूम आउट अ लिटिल बिट, जूम आउट कर सकते हैं। डूइंग डन, डन क्या मतलब, हो ही रहा है। यू सी दैट? Now zoom out a little more, turn it into a weekly chart. एक मिनट, वो कोने में है। Weekly यहाँ से होगा। Now you notice, you see that इतनी बिंदी छोटा सा वो ओए ड्रॉप है। वो था आपका मैगी बैन। वो मैगी बैन था। पर प्राइस तो एग्जैक्टली, डज इट मैटर? क्या सीखने को मिला तुम्हें इससे? टेंशन कम लिया करो। ठीक है सर, मतलब कंपनी बंद नहीं होगा। अभी मैं एक, ये कंपनी है तो बेसिकली इनका रेवेन्यू बढ़ा ऐसा 10-20%, बट इनका मार्केट प्राइस गिर गया। अभी अगर कंपनी ने बोला 20% ग्रोथ वी फेस्ड, तो बट प्राइस तो बढ़ेगा ना। हाउ मच डिड द मार्केट फॉल? 10% 20% ओवर अ फ्यू डेज। तो हाउ डज दैट हैपन? तो लेट्स आंसर दिस। सो थिंक अबाउट दिस, राइट, दिस इज द कंपनी यू वांट टू इन्वेस्ट इन और यू हैव इन्वेस्टेड। लेट्स से दिस रिमोट इज दैट इट। नाउ दिस इज अ बिग लार्ज कंपनी, तो अब इसमें यू हैव बिग FIIs, ये सब बड़े बैंक से FIIs, ये सब ट्रैक कर रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, इनके पास आपसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, एनालिस्ट हैं, स्मार्ट लोग हैं, एक एक चीज को ट्रैक करते हैं। तो दे कैन एस्टिमेट कि नेक्स्ट क्वार्टर इनकी अर्निंग 100 करोड़ होगी कि 101 करोड़ होगी। मतलब एस्टिमेट है वो, सब प्रेडिक्शन। उस एस्टिमेट के बेसिस पे ये लोग खरीदते बेचते हैं। तो जो प्राइस है, इट ऑलरेडी फैक्टर्स इन एनीथिंग रॉन्ग। तो अगर नेस्ले का बैन हो गया, दे ऑलरेडी नो कि अच्छा इतना प्रोड्यूस करती थी प्रोडक्ट, इतना लॉजिस्टिकली था, इतना इन्वेंट्री है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल्स इतनी होगी इस सीजन में, लास्ट 5 सेल में इतने सेल हुए थे, देयरफॉर इतनी कम सेल होगी। उसके हिसाब से मार्केट गिरता है बिकॉज दे प्राइस नेस्ले अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन दैट यू एंड आई डोंट हैव टाइम टू इंटरप्रेट। तो ये ऑलरेडी प्राइस टेन हो चुका है। अब जब अर्निंग्स रिलीज होते हैं, इन लोग का एस्टिमेट होता है, मुझे लगता है ना कंपनी इस बार 20% ग्रो करेगी। तो अगर कंपनी अनाउंस कर देती कि हम 15% ग्रो किए, इट इज 5% लेस देन देयर एक्सपेक्टेशन, जिसको कहते हैं स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन, इसको स्ट्रीट बोलते हैं। तो प्राइस थोड़ा नीचे हो गया। हाँ, तो इट्स नॉट अबाउट ओनली एब्सोल्यूट प्रॉफिट और लॉस, इट इज अबाउट एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। ठीक है, फिर ये समझ गया मैं। तो लेकिन अभी एक चीज है, अफवाह, रूमर्स, मतलब जैसे क्या, आई वॉज जस्ट वॉचिंग अ वीडियो, तो उसमें ऐसे बोल रहे थे ये फलानी कंपनी है एंड दे आर लॉन्चिंग दिस प्रोडक्ट। अभी ये सबको नहीं पता बिकॉज वो व्यूज उस वीडियो पे कम थे। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट, गॉट इट, सीक्रेट। फिर मैं सोचा अगर खरीद लूं तो पैसा बन जाएगा ना। बट सो व्हाट इज अ रूमर? रूमर इज कि उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं किया कुछ। अनकन्फर्म्ड थिंग्स दैट साउंड लाइक द ट्रुथ एंड यूजुअली दे साउंड वेरी एक्साइटिंग। तो चाचा ताऊ ने कुछ बोल दिया, फ्रेंड्स ने कुछ बोल दिया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड कुछ आ गया, YouTube वीडियो, YouTube वीडियो इज अ ग्रेट वे टू स्प्रेड रूमर्स। बट हियर इज द प्रॉब्लम, इट्स नॉट डिजाइंड टू गिव यू करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सिंपल तरीका, इग्नोर इट कम्प्लीटली। अच्छा, ठीक है, ये सर सब कुछ ठीक है। अभी मेरे को बताओ करना क्या है, मतलब एंड में क्या करूँ, पैसे कैसे बचाओ, क्या करना चाहिए अभी? तो लेट्स कम टू सम बेसिक ट्रूथ्स। बताओ,
From a trading perspective, only if you specialize in trading volatility or information or news, jo bhi bol lo usko, only then should you trade it. If you don't specialize it, you've not done a study, don't do it. On days where large events happen, just don't trade on that day. From an investing perspective, if you've invested in a good business, and we can define a good business, and you've diversified, and you've given enough time, and you're willing to wait, say, 7-10 years, then let that do its job. And third, if you diversify, then you spread the risk. Actually, the third is time. You do this for a long period of time. 10 saal, 20 saal type. Matlab, 7 saal bhi kar liye toh bahut achha. 10 saal kar lete hai. Right? So if you're able to do these three things over a long period of time, you can do it. You know, interestingly, Warren Buffett ki sab log baat karte hain. But the truth is, he's done this the longest. That's why he's the richest. ठीक है सर, चेकलिस्ट तो बन गया. और लास्ट का काम क्या काम है? सब्सक्राइबर बढ़ाना एक ही काम है मेरा ऑफिस में. यार सब्सक्राइब कर दो, मेरे को थोड़ा बोनस मिल जाएगा ना? नहीं मिलेगा. सब्सक्राइब करो अभी. वो जल गया. ओके, फॉरगेट ऑल दिस. टेल मी, जो तुम्हें काम कल दिया था मैंने लास्ट वीक, अभी तक कंप्लीट हुआ है? मेरी शक्ल देख के लगता होएगा. एम्प्लॉय की तरह तो बात नहीं कर रहा था. पक्का नहीं जाएगा ना? कैंसिल है ना? ठीक है, इवेंट बनाएंगे. वंदित, यू आर इन चार्ज. इवेंट बनाएंगे. इवेंट बनाएंगे. नाटक साले. बुक का नाम मुझे याद नहीं, पुष्पक लाल कुछ थे.